प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो चलिए हम लोग आइए संभाषण शुरू करते हैं। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए और मैं यहाँ पर एक दो लोगों को यहाँ पे को होस्ट भी बना देता हूँ। तो अभी डॉक्टर विकास कुमार जी, आप कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार जी, आप कुछ केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। कोई केस है आप? सर मेरे यहाँ बहुत शोर हो रहा है, बता नहीं पाऊंगा इसमें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर। डॉक्टर अशोक यादव जी, आपको ऐसे नॉर्मली बोलने को नहीं मिल पाता है, आप बताइए सर कोई केस। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, आप बताइए आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं जो आपने ठीक किए हैं, सर ओवरऑल सर भी रहते हैं सर। तो बताइए ना, थोड़ा हमें भी बताइए ना सर। जैसे सर अभी स्टोन के पेशेंट्स आ रहे हैं, हाँ तो स्टोन में सर स्पेशली में जो अपने सुधा द्रव्य है ना, हाँ उसको ऑरेंज जूस से या नींबू जूस से देता हूँ। अच्छा, तो उसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है, 4 mm 5 mm के 1 महीने के अंदर निकल जाते हैं। क्या क्या देते हैं सर आप, क्या क्या देते हैं? सर कलमी सोडा रहता है, हजरूल रहता है, श्वेत हाँ पर्पटी रहता है, हाँ यवक क्षार रहता है, टंकन क्षार रहता है, हाँ और उसमें वंग भस्म डालता हूँ थोड़ा सा बस सर। इसको क्वार्टर स्पून मिक्स करके, क्वार्टर स्पून हाफ कप नींबू जूस या हाफ कप ऑरेंज जूस के साथ में अर्ली मॉर्निंग खाली पेट दे देता हूँ। अच्छा हाँ, और बाकी सर खाने के मतलब टेबलेट्स में गोक्षुरा गुगुल चंद्र प्रभावती रहता है, हाँ और पाउडर फॉर्म में लेता हूँ मैं धमासा चूर्ण लेता हूँ, गोक्षुर लेता हूँ, पाषाण भेद लेता हूँ, और त्रिफला चूर्ण डालता हूँ। उसमें थोड़ा सा सूंठ डालता हूँ क्योंकि कभी कभी इनका डाइजेशन भी थोड़ा वीक रहता है सर। हाँ बेसिकली मैं स्टोन में डाइजेशन के ऊपर ज्यादा वर्क करता हूँ। जी हाँ, और बाकी बच्चों में सर जब से मैं आपका ब्रत वर्षादि कषाय का दे रहा हूँ, छोटे बच्चे लोग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर। अच्छा स्क्विंटिंग ऑफ आई रहता है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, विजन का जो रिपोर्टिंग कराते हैं उसमें भी कम हुआ है, हाँ और थायराइड सर सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला सर प्रेगनेंसी में। मैं सोचता था थायराइड के लिए प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में क्या दो, हाँ तो अभी एक पेशेंट्स को दिया, अभी उसका 8 मंथ चल रहा है। हाँ डॉक्टर ने बोला उसको थायराइड की दवा चालू करने के लिए, मैं बोला नहीं चालू करने की जरूरत नहीं है, हाँ मेरी जो नॉर्मल मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देता हूँ उसके साथ में आपका थायराइड का जो योग है हाँ बचा पुनर्नवा और अमृतासर, इसको हाँ कांदे के रस के साथ में अर्ली मॉर्निंग दिया, हाँ तो 8 तक गया था। 8 मतलब 1 महीने के बाद हमने फिर से रिपोर्ट कराया, वो फाइव हाँ पॉइंट टू तक आ गया। वाह, और बाकी हीमोग्लोबिन वगैरह के लिए मैंने उनका हीमोग्लोबिन 8 तक गया था, हीमोग्लोबिन भी डाउन था, तो उसमें मैंने गुड़ का गुड़ रात को गुड़ भिगाने के लिए हाँ किशमिश, काला किशमिश और खजूर रात को भिगा कर हाँ उसको सुबह लेने के लिए बोला। और बाकी मेरी दवाइयों में गर्भपाल रस रहता है, ताप्यादिलो रहता है, लघुवसंत हाँ मालिनी रहता है, अश्वगंधा रहता है, ब्राह्मी रहता है, ये थ्रू आउट 9 मंथ में देता हूँ। हाँ और कैल्शियम सप्लीमेंट के हिसाब से संघ सुप्तिक कपर्दिका का मेरे पास टेबलेट्स है हाँ जो गुलाब जल के रस में बनाया गया है, गुलाब जल के स्वरस से वो देता हूँ। तो थ्रू आउट 9 मंथ ये चलता है, बस इन बिटवीन कुछ रहा तो चेंज करता है, जैसे कुमार कलना रस
जो पुंसवन विधि करते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करते हैं, तो मैं कुमार कल्याण रस 6 मंथ में 15 दिन, 7th मंथ में 15 दिन, 8th मंथ में 15 दिन देता हूँ, और 9th मंथ में जो भी 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन ऊपर जाता है वो देता हूँ। अब तक कम से कम 25-30 बच्चों को मतलब प्रेगनेंसी में दे चुका हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उनका, सभी बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही है जी। अभी तक किसी को मतलब हॉस्पिटल्स में मतलब आजकल आफ्टर डिलीवरी जो होता है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, कोल्ड कॉफ ये सब, उसकी जरूरत नहीं पड़ी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, आपने ऐसा बता दिया कि सब लोग अब ऐसे ही करेंगे। सर रिजल्ट्स तो सर जब से आपसे जुड़ा हूं ना तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने लगे। और सर वो कैंसर वाली पेशेंट का क्या हुआ जो ब्रेस्ट कैंसर वाली थी? एक्चुअली सर मैंने उनको बोला कि आप जाओ तो बोलते नहीं सर हम नहीं जाएंगे, वहां पे आपसे ही कराएंगे। तो अभी सर ट्रीटमेंट तो मैं ही दे रहा हूँ, बट ओवरऑल रिजल्ट अच्छा मिल रहा है सर। उसके बाद से उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है आपके यहाँ से आने के बाद। आप क्या दे रहे हैं सर? सर मैं पहले स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा शतावरी, अश्वगंधा, लघु वसंत और ये अपना तापेदिलो दिया था। हाँ। फिलहाल अभी 2 वीक के बाद अभी चालू, मतलब 1 महीना ही चालू किया था, और हाँ। अब मैं उनको ये अपना आरोग्यवर्धनी, पुनर्नवा, कांचनार और ये अपना गोमूत्र घनवटी दिया हूँ। हाँ। TDS में सर। तो कितना परसेंट फायदा हुआ है? सर वो जो टेंडरनेस था, जो साइज वाइज था, वो तो बीच में बोलते कम हुआ है, फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन वो जो टाइटनिंग था ना वो टाइटनिंग लूज हुआ है, और जो बहुत कंप्लेन करते थे ना सर हाथ में कंटिन्यू बर्निंग हो रहा है, वो बर्निंग कम हुआ है। और सर इसमें मैं जूसेस चालू करता हूँ, जैसे आंवला जूस, एलोवेरा जूस, गिलोय जूस, वीट ग्रास और बेल पत्र और नीम पत्र का और तुलसी पत्र का पेस्ट बनाकर उसके साथ में अर्ली मॉर्निंग लेने के लिए बोलता हूँ। हाँ। और बाकी वो सर आपका घी जो है वो कंटिन्यू उनको बोला हूँ करने के लिए। तो वो खा रहे हैं अभी? हाँ खा रहे हैं अभी, पता नहीं वो मैं लास्ट टाइम आया थे पूछा था तो बोले अभी है, मैं बोला फिनिश हो जाएगा तो फिर मंगाना है अपने को वहां से। हाँ हाँ तो फिर सर फोन करेंगे आपको, जैसे भी हो जाए सर ठीक होना चाहिए कोई भी, आप करिए। हाँ, सर करूं, लेकिन ठीक होना चाहिए उनका पूरा। हाँ ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर, डॉक्टर अशोक। हाँ जी, वो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोल दिया इसमें सर्जरी तो कर नहीं सकते हैं। अच्छा। हमको करना है तो हाँ करना है तो या तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करेंगे। हाँ। तो पेशेंट को मैं बोला ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ बराबर, नहीं हो रहा ना, बढ़ नहीं रहा कैंसर? नहीं सर बढ़ नहीं रहा, इवन उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो रहा है। पहले हाँ। कैसा था सर, वो बीच बीच में ना उनका निप्पल रिट्रेक्टेड निप्पल अंदर निप्पल चला जाता था। हाँ। और बीच बीच में बाहर आ जाता था, अभी उनका निप्पल जो है ना वो नॉर्मली रहता है, अंदर भी नहीं जाता है बाहर भी नहीं जाता है, वहां पे स्वेलिंग भी नहीं आता है, नहीं तो स्टार्टिंग में वहां पे पेन और स्वेलिंग आ जाती थी। हाँ। मैंने उनको जब रक्तमोक्षण किया था ना उनको इतना बड़ा जो लौका लगा था। बहुत अच्छा, हाँ हाँ सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था उसके बाद, उन लोग ने बोला था कि मेरा बर्निंग नेक्स्ट डे से कम हो गया है। ठीक है सर, आप करिए, और ये केस सॉल्व करना है आपको ही करना। हाँ सर सर जरूर जरूर सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर, हाँ सर आप सिखा रहे हैं, आपसे सीख के सब कर रहा हूँ जी। थैंक यू सर। और डॉक्टर आरती शर्मा मैम कैसी हैं आप? आरती मैम कहाँ थी आप? आपको 2-3 दिन से सब लोग मिस कर रहे थे। रात को लेट हो गई थी। अच्छा, आपका आवाज कट रहा है मैम। आरती शर्मा मैम आपका आवाज कट रहा है। हाँ बोलिए, अभी बोलिए मैम। सर हाँ, थोड़ा ड्राइव कर रही थी इसलिए बोल रही थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ठीक है बाद में बाद में। सर अंजना मैम से बात हो सकती है क्या? अंजना मैम आ गई हैं। अंजना मैम आजकल कुछ ज्यादा बिजी रह रही हैं, एक्चुअली में मैम को भी लोड है ना, कॉलेज का भी देखना पड़ता है, प्रैक्टिस भी है। ओके ओके। मैम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी जी मैम बताइए। नमस्कार सभी लोग।
जी मैम, हेलो मैम। मैम वो मेरी सिस्टर है ना, वो जिसके लिए आपने पहले भी मेडिसिन बताई है, अभी प्रेग्नेंट है वो। अभी उसका 8th मंथ, समझ लीजिए 7th 8th मंथ चल रहा है। नवंबर एंड में उसकी डिलीवरी की डेट बताइए मैम। उसको वो ना हैवीनेस होती थी बॉडी में, तो वो उसने खुद से वो रेनिटिडिन, वो अपना एसीलॉक है ना, वो लेने लगी। तो वो बोली कि वो लेने के बाद मुझे अच्छा लगता था, बट मैंने उसको मना किया, वो तो नहीं लेना चाहिए, उससे तो कैंसर वगैरह भी आज सब सुनने में आ रहा है, हो रहा है। तो बोली उसकी जगह फिर आयुर्वेदिक क्या ले सकते हैं। बीच में वो कुछ कामधुदा भी शायद ले रही थी, वो खत्म हो गई उसकी। और उसको अभी फिर से वो तो सर्दी खांसी वगैरह तो है ही, तो मैंने उसको वो बताया ही है, सीतोबलादी चूर्ण दाढ़ी मादी घृत के साथ, और वो गोजीवा आदि कषाय, और वो कॉफलेट सिरप। मैंने कहा कि वो शायद सीतोपलादी चूर्ण से एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी मेरे ख्याल से, बट अगर और कुछ ऐड कर सकते हैं हम ऐसी लॉक की जगह, अगर मतलब हमारी तरफ से क्या दे सकते हैं उसको प्रेगनेंसी के लिए अभी। हेलो मैम, मैम तो शायद ये हो गया, म्यूट हो गई। अच्छा ठीक है, आने दीजिए फिर पूछते हो। मैम अभी आ जाएंगे, शायद फोन आया होगा। ओके ओके और डॉक्टर शैलजा आनंद मैम कैसी हैं आप? शैलजा आनंद मैम आपका तबियत कैसा है मैम, अगर सुन पा रही हैं तो बताइए। हाँ जी प्रणाम सर, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपके पास कोई पेशेंट है तो आप बताएंगी? सर मैंने एक वो पेशेंट जो था ना, जो स्किन की प्रॉब्लम वाले थे, जिनके ब्लिस्टर्स होते थे, वो गर्ड के साथ उन्होंने वो सॉस वगैरह मिला के सारा खाया था। हाँ। उनका पूछना था सर, वो मतलब अभी तक मतलब मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन वो ब्लिस्टर्स वगैरह और पेन वो सारा कुछ चल रहा है, तो मतलब कैसे करना चाहिए उनका? कितने दिन उनके एक ईटे चल रहा है, और सूक्ष्म त्रिफला तो अभी मेरे पास कल ही पहुंचा था, तो आज वहां पहुंचा है उनके पास, आज से शुरू किया है उन्होंने, और महातिक्त घृत लगाने के लिए, खाने के लिए वो चल रहा है, तो उनका और क्या करना चाहिए सर? मुझे एक बार वो केस शीट भेजिए ना, मेरे को अभी पूरा एक्चुअल पूरा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैम कितने दिन से चल रहे हैं मेडिसिन? मेडिसिन तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरे पास 15 डेज ही हुए हैं चलते। ओके हाँ जी, मतलब ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन पे, और काफी ज्यादा याद है मुझे वो पेशेंट वो आए थे कार्ड वाले। हाँ जी हाँ जी, तो अभी कुछ भी कम नहीं हुआ? नहीं अभी कुछ नहीं, बीच में थोड़ा सा फर्क पड़ा था, लेकिन फिर वो मतलब फिर वैसे निकल रहे हैं, पूरा निकलते हैं, फिर बस्ट हो जाते हैं, फिर वो रॉस हो जाती है स्किन, पेन करती है। अच्छा, तो अभी आपने सिर्फ एकेटी और महातिक्त घृत इतना ही दिया है ना? हाँ जी, पंचतिक्त घृत गूगल भी शायद चल रहा है उनका। हाँ जी, मेरे को एक बार केस शीट भेज देंगी ना, तो मैं अच्छे से आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। हाँ जी ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं सर? प्रशांत भट्ट जी खाना खा रहे हैं आप? नहीं सर खाना खा लिया। प्रणाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए सर। बस बढ़िया सर, अभी तो बस वो हाथ की चल रहा था, तो उसी पर ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। अच्छा, और कोई और नए पेशेंट आए तो बताइए। और नए केस वो सब चल रहे हैं सर, वो गंदी बात का पेशेंट चल रहा है। अभी एक अच्छा पेशेंट आया था, उनको नींद नहीं आती थी, अनेक तरह की पेशेंट थे। हाँ। तो उनका उनको करीबन 10-12 सालों से एंटी डिप्रेशन ड्रग ले रही थी वो, और उनको नींद नहीं आती थी, रात रात भर जगती रहती थी। हाँ। और कॉन्स्टिपेशन भी था उनके लिए, और काफी मतलब उनको अमृतित्व का प्रॉब्लम भी था। तो उनका अभी चला ट्रीटमेंट 6 दिन हो गए, 7 दिन, तो ठीक हो गए बढ़िया, मतलब 5-6 दिन में रिकवर कर गई थी अच्छे से, और ठीक है, अच्छे से नींद आने लगी उनके लिए। और अभी नस जरूर कंटिन्यू अभी दे रहा हूँ पूरा, 40 ml के आसपास रोज नस ले रहे हैं, करीबन 10 दिन हो गए। तो उसकी सारी मतलब समस्याएं बहुत कुछ हल हो गई, और अपने पित्र भी ठीक है, मोशन भी अच्छा सा होने लगा, नींद भी अच्छी आने लगी, सब बढ़िया हो गया जी, बहुत अच्छा। सर मेडिसिंस में क्या दी थी सर इंटरनली? उनके लिए वही मानस मित्र बक्कम है, अपना सरस्वती रिस्क हो गया, पाचन हो गया, आम पाचन, लहसुन आदि बटी हो गई, और
उनको सरोधारा और नस दो दवाई दो चीज मेन ने दिया उनको। कौन सी सर? लास्ट क्या बोले? वही सर का नस, सर का जो आता है ना। हाँ 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 ओके ओके। वो और अपना चंदन बलाला छड़ी तेल का सरोधारा दिया। अच्छा तो बहुत अच्छी रिकवर करी, मतलब वो काफी टाइम से एंटी डिप्रेशन ड्रग और सेडेशन के लिए दवाई ले रही थी पर बहुत बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला, बहुत कम समय में बहुत अच्छे रिकवर कर गई। बहुत बहुत अच्छा सर, कांग्रेट्स, बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर कविता निगम मैम आप आई हैं? सर मैम चली गई। और अंजना मैम आप आ गई? आपसे अर्शिया मैम कुछ पूछ रही हैं। जी सर उस समय फोन आ गया था कि इम्पोर्टेंट सर, इसलिए ज्वाइन करना पड़ा। जी बताइए जी। यस मैम, वो मेरी सिस्टर है, वो प्रेग्नेंट है, वो जिसके बारे में पहले भी पूछ चुकी हूँ मैं आपको। अभी उसका 8th मंथ कुछ चल रहा है, नवंबर एंड तक उसकी डिलीवरी डेट बताइए। तो मैम उसको वो बॉडी हैवी हैवी जो फील होती थी, तो उसने क्या कि अपने मन से ये एसीलॉक लेने लगी। तो वो कह रही है कि मैं जब से वो एसीलॉक ले रही हूँ तब से मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैंने अभी उसको अभी भी बताया तो मैंने मना कर दिया उसको लेने को, पहले ही वो कैंसरस कॉजिंग उसके सब साइड इफेक्ट्स वगैरह सुनने में आ रहे हैं। और अभी उसको वो जो जैसे वो सर्दी खांसी वगैरह तो है ही, तो अभी आपने जो मुझे पहले बताया था सीतोब्लादी चूर्ण दाढ़ी मादी घृत के साथ गोजी वादी कषाय कॉफेट सिरप, ये तो अभी मैंने उसको बोला है लेने का, वो ले भी रही है। और उस मैंने कहा कि वो सीतोब्लादी चूर्ण से भी एसिडिटी ठीक हो जाएगी वैसे, बट वो पूछ रही थी कि अगर मैं फिर एसीलॉक की जगह क्या ले सकती हूँ आयुर्वेदिक, ऐसे बीच में उसने कामधुदा भी दिया था अभी वो खत्म हो गई, तो क्या मैं उसको बोल सकती हूँ? गुलकंद वगैरह दीजिए ना मैम, गुलकंद है ना, गुलकंद के साथ में अगर उनको ज्यादा लगता है तो थोड़ा सा जो है आप दाढ़ी मस्तक गुलकंद। अच्छा हेलो, आवाज नहीं आ रही है मैम की। फोन आ गया मैम के पास। ओके ओके, मैम बहुत बड़ी डॉक्टर है, उनको फोन आते रहते हैं। मैम उनका स्पाइसी खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और एक ना इसका मादी फल रसायन आता है सांडू का। मैम वो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सेफ है। अच्छा, और ये कौन सी कंपनी का बताया? सांडू ब्रदर्स का आता है। अच्छा अच्छा, कंपनी। और उनका स्पाइसी फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, और उनको बोलिए कि मतलब जैसे ओवर ईटिंग नहीं करना है, और जैसे बिल्कुल थोड़ा सादा और सात्विक ज्यादा ले, मिर्ची और स्पाइसी वाला भोजन और रुक्ष भोजन वो कम करें, उससे भी बहुत ज्यादा इस समय एसिडिटी क्योंकि लास्ट चल रहा है ना, तो ऊपर को आ जाता है, इसलिए ये सारी चीजें होती है नॉर्मली। ओके, थोड़ा डाइट का ध्यान रखेंगे तो उससे भी क्योर हो जाएगा। बाकी मादी फल रसायन ले सकते हैं, उसका बहुत इस समय अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, उसका डोज कैसा रखना है मैम? क्या वो मतलब अवले फॉर्म में रहता है या काढ़ा? मैम लिक्विड होता है वो, और अच्छा। वो उसका ही शायद सर बिजौरा नींबू का बनता है शायद, उससे ही बनता है, सिंपल ही होता है, कोई ज्यादा उसमें फॉर्मुलेशन में कुछ नहीं है। ओके ओके, वो दे सकते हैं वो। ओके, सेफ है ना प्रेगनेंसी में? सिंपल घर बना हुआ नींबू का अचार जिसमें जीरा नमक और अजवाइन और थोड़ी सी देसी खांड या जो ये मिश्री रहती है जो प्रसाद वाली मिश्री होती है धागे वाली, वो जैसे घर में ही बना हुआ अचार नींबू का, उसका जो रस होता है वो भी बहुत अच्छा इसमें काम करता है, जो इस समय मतलब मन भी करता है लेडी का, और काम करता है वो दीपन भी कार्य करेगा, और पाचन में अजवाइन भी रहेगी और जीरा भी। ओके 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 मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, मैंने उसको काला मनु का फिलहाल तो बोला है, काला मनु का खाने के लिए कहा है, काला मनु का कैसे पित्त भी कम करेगा और डाइजेशन भी अच्छा। मैम आवाज नहीं आ रही। पेशेंट का पूछना था। आप पूछे पूछे, किससे पूछना है? प्रणाम सर। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम सर, मुझे एक पेशेंट का पूछना था। मैंने अराउंड 40-45 डेज बैक ट्रीटमेंट बताया था उनका शुरू किया। एक मिनट, अंजना मैम आ गई हैं, अर्शिया मैम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। अंजना 8:30 नहीं, अंजना मैम अगर आप अभी बोल सकते हैं तो बोलिए ना, अर्शिया मैम वाला केस का, नहीं तो फिर बाद में बात करेंगे। सर बात हो रही थी ना सर, वो मैडम भी बता रही थी, वही सब है।
और उनको जनरली क्या होता है कि ऐसे समय में जब यूट्रस थोड़ा सा साइज ले लेता है तो फिर जो खाना वगैरह खाते हैं वो प्रॉपरली जो होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है तो रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और जो है डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो वो कहना चाहिए ना प्लेसिबो थेरेपी के जरिए उनको ऐसे लोग तुरंत रिलीफ जरूर लग रहा होगा कि थोड़ा सा गैसेस डिस्कम्फर्ट से कम लगता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे रिबाउंड स्ट्रेटिस भी होगी और इसके जो बाद के जो साइड इफेक्ट्स अक्षय मैम समझ रही है कि उसमें बहुत ज्यादा जो रिसर्चेस बता रहे हैं कैंसरस वगैरह तो वो मिली नहीं है, इसलिए वो एकदम नहीं देना है क्योंकि उसका बेबी पर भी जो है इफेक्ट आएगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है, तो ये एकदम आप बंद करा दीजिए। और जैसे आप कह रहे हो कि आप दे ही रहे हो, अम्लपित्त मिश्रण की मैंने बात की थी, गुलकंद की मैंने बात की थी, मधुयष्टि चूर्ण या मधुयष्टि घृत बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर। इसके अलावा जैसे कि अमलांतक टेबलेट भी आती है, अभिपत्ति कर चूर्ण आता है, शद्धोत घृत के साथ में अभ्रक सहस्पति अभ्रक भस्म अगर पेशेंट थोड़ी सी ले ले गुलकंद के साथ में तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और यहाँ पे तो मतलब अगर आप देखोगे तो जैसे सर भी बताते रहते हैं सूत शेखर रस का भी बहुत अच्छा रोल है, जैसे भी मैडम ने बता रहे थे, आशा मैडम मैं भी कुछ सुन रही थी उसमें, तो बहुत ज्यादा आपके पास है। मतलब ऐसा नहीं होता, पेशेंट को क्या होता ना लगातार थोड़ा 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 करके चेंज करते रहना चाहिए, 1 वीक 10 डेज 1 वीक 10 डेज में। उससे क्या होता है कि मेडिसिन की एफिकेसी भी अच्छी आती है और पेशेंट को भी लगता है कि हाँ मेरी दवाएं थोड़ी सी बदल रही है। और सबसे अच्छा अनुपान तो नारियल का पानी होता है, ये अगर प्रैक्टिकली भी आप उसको देखोगे तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है इस समय। और उसके बाद आप जो भी कुछ दवा दीजिए, नारियल पानी पिला दीजिए, तो वो दोनों तरफ से बंद करता है ना। वो फिलहाल उसको सर्दी खांसी थी ना तो उसने वो नारियल पानी बंद कर दिया था। अब उसको मैनेज कर लीजिए, उसके बाद फिर नारियल पानी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड इस समय जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है बेबी के लिए। और वैसे भी जो है नारियल पानी देने से जो होता है रस धातु की वृद्धि बहुत अच्छे से होती है और जो ये सब कफ वगैरह है ये तो अच्छे से शोध शोधन करके उसके बाद उसको देंगे तो फायदा मिलेगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ आरती मैम, अब आप बोलिए। आरती शर्मा मैम। जी सर, प्रणाम सर। मैंने आपसे एक केस डिस्कस किया था 40-45 डेज बैक, गॉल ब्लैडर कैंसर का। हाँ जी, तो पेशेंट में काफी रिलीफ है पर उसकी अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, उसके बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। पहले ठीक हो गए थे बट अभी दोबारा से उसके बॉडी पे छोटे छोटे दाने आ रहे हैं और उसमें इचिंग हो रहा है। वो उसमें हम क्या दे सकते हैं, क्या खाने में क्या गड़बड़ हो रहा है सर? खाना तो मैं ये वाला जो चरक संहिता में एक वो शोथ वाला जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ही उसको सारा खाना दे रही हूँ और मेन मूंग का ही दाल दे रही हूँ उसको खाने के लिए। और उसको तिक्त जो उसमें मेंशन है जैसे परवल है खाने में या कद्दू है खाने में, ऐसा चीज ही मतलब लाइट फूड ही दिया जा रहा है उसको। और घी में बना के खानी है क्या? हाँ, देसी घी, गाय का घी बोला है उनको। हाँ फिर ठीक है, तो आप इनको थोड़ा शोधन कराइए ना, वमन या विरेचन। विरेचन ज्यादा अच्छा रहेगा। 74 इयर्स के पेशेंट है। आप तो मनुका नहीं दे सकते? रात को मनुका भिगो के दे रही हूँ 10 मुनक्का उनको रोज दे रही हूँ, 5 जैसे मॉर्निंग में लेते हैं वो भीगा हुआ और 5 शाम के वक्त भी। अच्छा, तो पेट साफ होता है, विरेचन टाइप होता है कि नॉर्मल होता है? जी, विरेचन टाइप नहीं होता बट नॉर्मल होता है, क्योंकि वो पेशेंट को लास्ट 35 इयर्स से कॉन्स्टिपेटेड थी और वो कायम चूर्ण ले रही थी। उनकी जो हिस्ट्री थी वो ये ऐसी थी कि वो कायम चूर्ण लेती थी, या मतलब उनको मतलब मैरिज के टाइम जब वो 20 साल की थी तो 54 इयर्स बैक उनको अराउंड ये हुआ था, फाइल्स हुई थी, तो तब से वो कायम चूर्ण लेते जा रहे हैं। और अभी तो एरंड हरित की बना के दिया था मैंने, एरंड के तेल में हरित की चूर्ण, तो उससे उनका पेट तो बढ़िया साफ हो रहा है, भूख भी उनको प्रॉपर लग रही है। पहले वो पूरे दिन में सिर्फ 1 चपाती खाते थे, अभी 3 टाइम वो मतलब चपाती खा सकते हैं। वो ठीक है, अगर सारा इम्प्रूवमेंट। हाँ बोलिए बोलिए, आप कंप्लीट करें फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, बाकी सारा इम्प्रूवमेंट है। पहले उनका 9 kg वेट लॉस हो गया था, मतलब मेरे पास आने से पहले, तो अभी उनका 1 किलो भी वेट लॉस नहीं हुआ है। तो
बाकी सारी चीज इम्प्रूवमेंट है, बस ये अभी दाने जो नए शुरू हुए हैं तो ये इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस। दाने शुरू हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा, कुछ ना पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन चिकित्सा में मैं बता देता हूँ तो गंधक रसायन दे दीजिए, गंधक रसायन, कैशोर गोकुल, पंचतिक्त गोकुल, ऐसे कुछ दे दीजिए, तिक्त रसात्मक कुछ दीजिए, पंचनिंब चूर्ण या ऐसे कुछ तिक्त रसात्मक चाहिए। सर अभी अभी मैंने आपका वो शुरू किया है जो आपने मेरे को जो तिक्त शीर मटेरियल था उन्होंने तो ली थी, उनकी मटेरियल है उसमें आपका जो एक एक स्पून वो भी शुरू करवाऊंगी अभी, कल या परसों आएंगे तो फिर उसको शुरू करवाऊंगी, उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, तिक्त रस जाना चाहिए, ये गोली भी देंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी जैसे यहाँ सीजन चेंज हो गया तो डाइट में अभी क्या ले सकते हैं? वो पित्त शामक जो भी देंगे ना, पित्त शामक, क्योंकि पित्त का काल शुरू हो रहा है अभी। ठीक है, तो उनको जैसे घी वगैरह वो तो बराबर रखूँ ना, देसी घी? हाँ, जैसे दाढ़ी मदी घृत भी दे सकते हैं, महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, दाढ़ी मदी घृत सबसे बेस्ट है, या आंवला का घी, आंवला सिद्ध घृत, आप तो खुद ही सिद्ध कर सकते हैं दाढ़ी मदी घृत। जी सर, मैंने अभी सिद्ध किया था रिसेंटली, तो कोई बात नहीं, मैं वो कर दूंगी उनको। और दूध का सेवन जो कोजागरी पूर्णिमा में कराते हैं तो दुग्ध शीर पान, शीर पिलाइए और ये घी दीजिए। ठीक है सर। मैडम कितना उनको, मैम कितना उनको फायदा हुआ पहले से? सर उनको जैसे वेट लॉस हुआ ही नहीं अभी, पिछले 45 दिन में कोई वेट लॉस नहीं हुआ उनको, 9 kg वेट लॉस हो गया था। तो ठीक है ना, ये आपका अचीवमेंट है। हाँ, उनको वेट लॉस नहीं हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेशेंट को भूख नहीं लगती थी, मतलब पूरे दिन में वो एक चपाती भी मुश्किल से जैसे दो तीन निवाले ले लिए, इतना बहुत कम मात्रा में लेते थे। अभी वो तीनों मील्स खा रहे हैं बराबर, और पहले वो पूरे दिन में 100 से 200 ml तक ही दूध ले पाते थे, अभी मैंने आधा लीटर तक दूध उनका हो चुका है पूरे दिन में, और उनको तक्र भी साथ में दे रही हूँ। वो देना है कि अभी बंद कर दो? तक्र दीजिए ना, तक्र तो गृहिणी कला को अच्छा करेगा, स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो उनका कंटिन्यू ही रखा हुआ है, वो मैंने कंटिन्यू ही रखा हुआ है, चाय कॉफी सब कुछ बंद कर दिया है। हाँ ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट है सर, इम्प्रूवमेंट है, बट अभी जैसे कुछ भी हो जाता है तो फिर पेशेंट को ऐसे होता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। कोई बात नहीं, और उनको फीवर आता था, फीवर भी नहीं आया अभी। और अभी बाकी आपने रिपोर्ट्स करा के देखा कुछ इम्प्रूवमेंट? सर रिपोर्ट्स में अभी कराऊंगी एक बार, वो जो आपका वाला वो तिक्त शीर वाला सामान है एक बार वो 10 दिन ले लेंगे, फिर उसके बाद ब्लड रिपोर्ट्स और स्कैन कराऊंगी, क्योंकि वो माता जी बहुत ज्यादा। आप उसमें वो इरमुंगली घृत भी दीजिए ना, मैं आपको भेज दूंगा उसे। और सर है मेरे पास आपका इरमुंगली घृत, वो पेशेंट बोल रहा है कि हम अभी नहीं, ये नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था। अभी वो थोड़ा कन्विंस किया उन्होंने, जब देखा रिजल्ट देखा कि वेट लॉस नहीं हो रहा, तो अभी थोड़ा कन्विंस हुए हैं। अभी वो तिक्त शीर वाला ही सामान उनको दूंगी, तो अगर वो कन्विंस होंगे तो वो घृत है आपका मेरे पास, 2 kg पड़ा है अभी। हाँ तो दीजिए, ठीक हो जाएंगे, किसी का भी अच्छा हो जाएगा पूरा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा लगा आरती मैम, आप इतना अच्छा काम करिए, आप कोशिश करते रहते हैं, ये आपका बहुत अच्छा बड़प्पन है कि मतलब आप न हार नहीं मानती है, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कोशिश करते रहना है, सफलता तो मिलना ना मिलना वो पेशेंट के उस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश नहीं हार कम होनी चाहिए। जी सर। जी सर, उनको भी दूसरे वाले पेशेंट को भी, फाइब्रोसिस वाले को भी अभी वो मिल गया है ऑयल, तो वो 1-2 दिन में वो शुरू करेंगे बस्ती, वो भी फिर आपको बताऊंगी। कौन सा ऑयल सर? जो आपने बोला था ना शीर वाला, उसका वस्ती देना उनको, पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को। अच्छा, आपको क्या वहां कंपनी में मिल गया? नहीं सर, आपने नहीं भेजा था मेरे को वो 101 वाला। हाँ ठीक है। और बाकी इंटरनल दवाई क्या दे रही हैं सर? जो आपने सारा मैंने बताया था, सारा मैंने लिख लिया, दाढ़ी मस्तक चूर्ण बताया था, और आपने बोला था कि उसको घृत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाने को देना है, और बकरी का दूध उसको बोला है कि अगर मिलता है तो वो भी ले, और साथ में आपने ये बताया था स्वर्ण मालिनी विसंत और श्वास का चिंता बनी एक टाइम, तो वो शुरू किया। अभी उनको एसिडिटी हुई थी अभी, और
उनके पास पहुंची नहीं थी मेडिसिन, तो कफ वगैरह हुई थी, और 1000 फुटी अब्रक आपने बोला था वो दिया मैंने, आशा मैम ने यष्टि मधु बताया था तो वो दिया है, उससे सिद्ध दूध बोला था मैम ने तो वो यष्टि मधु, और ये खरेंटी बलामूल इससे सिद्ध इनको दूध भी बोला है लेने को, और साथ में आपने वो बोला था कंटकारी घृत तो वो भी शुरू किया सर। हाँ, तो उससे इम्प्रूवमेंट है ना पहले से सर? अभी उन्होंने उनको वो मेडिसिन नहीं मिली, बट जो शीर वाला आपके वाला ऑयल है वो अभी भेजा है, तो वो बोल रहे हैं कि अभी हमारे हमने ट्रैक किया है, अब वो शायद होपफुली संडे या मंडे तक उनका वो हो जाएगा। आज की डेट में पेशेंट स्टेबल हैं क्या पहले? जी सर स्टेबल है, उनकी बात हुई थी मेरे से क्योंकि उनको एसिडिटी बहुत हो रही थी, तो मैंने उनको सिंपल यष्टि मधु और अभिपत्ति कर चूर्ण का ही मिक्स दिया था, और सूर्यखरस एक टेबलेट दिया था, तो उससे उनका एसिडिटी कंट्रोल हो गया, तो फिर वो उतने में ही बहुत खुश थे क्योंकि मतलब किसी भी चीज से उनका एसिडिटी भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, अभी रेनिटिडिन ये सब कुछ ले लेके वो थक चुके हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा आरती मैम, आप इतना अच्छा बता रही है ना, लोगों को भी ऐसे सीखने को मिलता है। जी सर वो ऑयल आपका बहुत अच्छा है, वो वाला शीर बल्ला तो मैंने देखा है, बहुत प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है वो ऑयल है, जिसको भी दिया है उसको काफी मतलब उसको रिलीफ हुआ है। ब्रजतु शवतु हर तेल का रिजल्ट अच्छा है सर? वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा, बट वो लगता बहुत ज्यादा है, अभी वो जो पेशेंट थे टिनाइटिस वाले उन्होंने वो बंद करा दिया, वो कह रहे कि मेरे इसमें बर्दाश्त नहीं होता, मेरे को घर जाके भी मेरे मतलब बहुत ज्यादा जलन होती है। आज तो मेरे पास एक सरदार जी आए थे, उनके बेटे को इतने साल से साइनोसाइटिस है, वो मैंने एक बोतल पूरा डाल दिया। 15-20 दिन तो उन्होंने करवाते रहे वो, बट फिर पता नहीं उनको क्या जलन होती थी, वो बोलते थे मेरे नाक के बिल्कुल इंटीरियर एंड में ना बहुत ज्यादा जलन हो रही है, फिर वो बोलते थे कि मेरी छाती में भी थोड़ा थोड़ा जलन होने लगा है, मैडम मेरे से ये ब्लॉक नहीं होता। कोई बात नहीं, उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना वो चीज सर? वो अभी उनका टेस्ट करवाऊंगी, अभी 15 दिन तक उनका टेस्ट करवाऊंगी, जब उनका रिपोर्ट्स वगैरह होंगी बाकी भी तो उनका टेस्ट करवाऊंगी। सिम्टोमेटिकली तो फायदा है ना पहले से? सिम्टोमेटिकली तो फायदा है, साइनस से उनको दोबारा छींक के अभी बहुत कम, कभी मतलब दिन में भी कभी नहीं आ रही, और हफ्ते में एक आध बार आ रही, अभी शीर वाला बट उनका कंटिन्यू ही है, और कान में रामेठा क्या होता है ना कि बॉडी को अब नहीं चाहिए था और रिजल्ट आ गया, तो फिर पेशेंट क्यों अब करेंगे, ऐसे है ना, पेशेंट को फायदा हो गया तो मतलब वो बोलते हैं कि मतलब मेरे को जलन इतना ज्यादा होने लगा, मेरे को ऐसे लगना लगा बॉडी को नहीं चाहिए था इतना तीक्ष्ण तेल नहीं चाहिए था, बस हो गया जी सर, बट वो शीर वाला खुशी से डलवा लेते हैं, वो उनको अच्छा लगता है वो डालने में। हाँ हाँ थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम, डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप खाना बना रही है क्या मैम? डॉक्टर नवजोत कौर वो आपकी नाम सभी को मलकियत कौर मैम कैसी हैं अभी? सर ठीक हैं, बेटर हैं, वो पहले से बीच में एक दो बार बात हुई है मेरी, तो बाकी वो कहते हैं मेरा पेट वगैरह ठीक है, भूख ठीक लगती है, ये सिम्टम्स तो ठीक है, बस अभी उनको एक अपने माइंड की जो रहती थी उनको उसके लिए ले रहे हैं, कोई एक अपनी एलोपैथी ठीक हो गया ना एसिडिटी? हाँ जी सर, हाँ जी एसिडिटी ठीक है सर। हाँ बेटर है, मतलब मैंने उन्हें बोला था कि अगर मेडिसिन चाहिए होगी तो कहते अभी थोड़ी देर में देखती हूँ फिर जरूरत होगी, लेकिन अभी वो स्टेबल है ना कोई भी? हाँ जी हाँ जी स्टेबल है सर, काफी फर्क है। और आपके अपने पेशेंट कैसे हैं सब लोग? सर ठीक है ऑलमोस्ट, बाकी तो एक वही जो मैं बात कर रही थी कल बताया था कि जिसका वो ट्यूबो ओवेरियन मास था, अल्ट्रासाउंड में तो आया सर पहले से हल्का श्रिंक हुआ है, बट उसका ना CA-125 करवाया था, उस दिन अनुरिता मैम ने बोला था कि वो जरूर करवा लीजिए कहीं मास बड़ा ना हो या ये रूल आउट कर लें, तो वो उसका आज रिपोर्ट बताइए 131 आया सर, तो एक उसको अभी जो खांसी की काफी दिक्कत आ रही है उसका ट्यूबरक्लोसिस, अभी वहां डॉक्टर्स वो कहते हैं अभी कंफर्म तो नहीं है, तो मंडे को इसे लेके आना तो खुद देखेंगे और फिर उसकी मेडिसिन शुरू कर देंगे, तो अब देखो सर पता नहीं कैसे। आपको अंजना मैम से ये केस के बारे में पूछना है तो पूछ सकती हैं। हाँ हाँ जी सर जरूर, मैं अंजना मैम हैं सर, बुलाइए आप मैम को, पुकारिए। हेलो अंजना मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। हाँ जी उसकी मैडम, उसकी क्या प्रायोरिटी क्या है, मतलब उसके पास कितने बच्चे हैं? मैम बच्चे तो उसके 4 बच्चे हैं शायद, मतलब जब सबसे छोटा बच्चा शायद 2.5-3 साल का। एज क्या होगी मैम उसकी? मैम 28 इयर्स है।
मैम आज थोड़ा उसके हस्बैंड से ये मैंने पूछा था कि जैसे उसको ना ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है जैसे उसे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी जो ल्यूकोरिया की जी दे, और वीक होने लगी थी ऐसे ऐसे। फिर वो कहता मैं कुछ ना कुछ दवाई तो इसे देता ही रहा, जो जब लेती थी तो ठीक रहती थी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती थी जब बंद करती थी। तो जैसे यूएसजी रिपोर्ट क्या कह रहा है, मुझे मैंने वो केस पहले सुना नहीं ना इसलिए पूछना पड़ रहा है। अच्छा मैम, यूएसजी ने ना अप्रैल में जैसे उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया तो मैंने जैसे जो सिम्टम्स बताए तो फिर यूएसजी में तब उन डॉक्टर्स ने बताया था कि ट्यूबो ओवेरियन मास है, एक साइड लेफ्ट या राइट में है। कुछ साइज बताया था, साइज था कुछ 4.8 × 2.8 समथिंग सेंटीमीटर। अच्छा, तो अच्छा, हाँ। वो साइड की ओवरी उनको ट्रेसेबल नहीं थी ये उन्होंने लिखा हुआ था। मैं शेयर करूंगी वैसे रिपोर्ट, इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ, तो मैम उस समय मतलब जो मैंने उसकी हिस्ट्री ली सारा, डिस्टेंट थी पेशेंट का, सॉली में है यहाँ से, मेरे पास तो नहीं थी। तो मुझे लगा कि जो उसको उसने सारा बताया वो सारा सोच के मेडिसिन मैंने ल्यूकोरिया को रख के और पहले जैसे थोड़ा उसको पुषण उपचूरण दंडरोधक के साथ और थोड़ा लंघन की भूख भी नहीं लग रही थी उन दिनों में, कहती थी कभी फीवर होता है कभी नहीं होता ऐसे कुछ मतलब। तो जी, आम जी। पाचक दिया, आरोग्य वर्धनी, सुशेखर, एकेटी, ऐसे चंद्र प्रभावटी, थोड़े 15 दिन 20 दिन दिया तो उसे काफी अच्छा लगने लगा। एक्चुअली मैम वो ना मेरी सिस्टर के वहाँ उसका है ऐसे होटल टाइप, तो वहाँ कुक है, उसकी वाइफ है। तो विद इन अ मंथ मेरी सिस्टर वहां गई तो उसे देख के कहती कि मुझे ना उसी उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लगी है तो तू अपनी दवाई कंटिन्यू करती रहो। फिर मैंने नेक्स्ट फिर उसके हाथ भिजवा दी सिस्टर के हाथ, तो मैंने तब भी बात करी थी, सर ने बोला था अगर दे सको स्वर्णमालिनी वसंत वगैरह परवाल पंचमृत, ये भी उसने 1 महीना खाई तो काफी बेटर रही पेशेंट की। मेरे से बात भी हुई, मैंने वीडियो कॉल करी तो मैंने कहा ठीक है। तो ये है, उसने ऑलमोस्ट मिड ऑफ मई से शुरू करी थी मेडिसिन तो 2.5 महीने खाई रेगुलर जी। तो उसके बाद बीच में मैंने उसे आपने क्या क्या दिया था मैम? यही जैसे सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, चंद्र प्रभावटी, आरोग्य वर्धनी, आम पाचक और पुषण उपचूरण दंडुलोदक के साथ, और एक त्रिफला क्वाथ का मैंने बना के उसे बोला था कि वॉश कर लिया करे। ये सब काफी वो पर्टिकुलरली करती रही, खान पान का थोड़ा बताया था ऐसे हल्का खाना, जब भूख लगे तब खाना। तो फिर ये दी थी ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो फिर उसके बाद परवाल पंचमृत, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये एडिशन करके सूक्ष्म त्रिफला फिर बंद कर दिया था उसके बाद। तो ऑलमोस्ट ये 2.5 महीने वो दवाई खाती रही। तो अभी जैसे उसने 15-20 दिन पहले फिर उसने बताया कि मेरे को अभी फिर से वो पानी की शिकायत है, जब दवाई खाई थी मैंने तो मेरे को ठीक रहा। तो अभी फिर थोड़ा थोड़ा मैंने पूछा कितना, तो कहती ज्यादा तो नहीं है हल्का है, तो बाकी मैं ऑलमोस्ट ठीक हूँ। तो मैंने फिर यही सोच के फिर मेरे को लगा कि अब ये कुछ अंदर होगा, गड़बड़ होगा। तो फिर मैंने उसे कहा कि एक बार अपना दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना। तो फिर इन द मीन टाइम मैंने उसे ये दे दिया, जैसे यही था कि ग्रोथ उसकी ज्यादा न हो, मांस पाचक, कैशोर गूगल, आरोग्य वर्धनी, चंद्र प्रभा, अजमोदादि चूरण, पत्रांगासव और दशमूलारिष्ट, ये मैम मैंने उसे अभी दिया जो 10 सितंबर से। तो ये खाने के ना 5-7 दिन बाद ही वो मतलब उसका हस्बैंड कहता कि दुबली पतली सी होते जा रही है, पहले ठीक थी। तो फिर एक साथ ही में उसने 2 दिन बाद बोल दिया कि उसे खांसी बहुत है, बहुत ज्यादा खांसती है 1-1.5 महीने से। तो फिर मुझे शक हो गया कि ये ट्यूबरक्लोसिस, मैंने कहा ये टेस्ट करवाओ। तो तब से फिर ये थोड़ा प्रोसेस चल रहा है। वेट उसका इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग ही है ना, मतलब इसे कितना वेट इस समय है? वेट मैम उनको पता ही नहीं है कि वेट कितना है, मैंने पूछा था तो बस देखने में दुबली पतली है, वेट अभी उनको मालूम ही नहीं है कि कितना वेट। छोटा बच्चा कितना बड़ा बता रहे थे आप? मैम 2.5-3 साल की बेटी है छोटी, बाकी सब बड़े हैं उससे। मैम एक ये था कि जो उन्होंने फिर अभी जो अल्ट्रासाउंड करवाई उसमें डॉक्टर ने बताया कि मास थोड़ा रिड्यूस हुआ है, जैसे पहले 4.8 × 2.8 था, अब 4.1 × 2.7 है। 0.1 बन गया। हाँ जी, बट ये है कि अब थोड़ा सा देख, जैसे आप कह रहे हो ना वो एक हिस्ट्री तो होती है, ट्यूबरकुलर मास भी हो सकता है वहां पे। तो अगर हिस्ट्री उनकी ट्यूबरक्लोसिस की रही है या ट्यूबरक्लोसिस है
तो फिर थोड़ा सा उस पर भी कंसंट्रेट होना पड़ेगा। लेकिन आपने अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, थोड़ा सा पेशेंट को भी क्या होता है, इन लोग जल्दी जल्दी कम एज में मैरिज हुई है, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बच्चे हुए हैं, है ना। फिर उससे क्या होता है कि PID जिसे कहते हैं ना हम लोग, इसको क्रॉनिक यूनिशोर्स जिसे एक वर्ड आता है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, उससे क्या होता है कि जो ट्यूब्स वगैरह है और ओवरी वगैरह है वो इस तरह का देते हैं। और आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे वो पोअर क्लास माना जाएगा या बहुत ज्यादा सड़वासन मारती वगैरह भी बहुत देर तक नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएंगे वो तो। हाँ जी, वो सिस्टर ने सोचा कि चलो अगर उससे ठीक हो जाए तो मैं दे देती हूं। हाँ, बसंत कल्प में आप इनको रख दीजिए। बसंत कल्प में हमारे पास दो कल्प और भी है, लघु बसंत मालती और मधुमाली बसंत, इसके आप इनको रख दीजिए साथ में। इसके साथ में ना ऐसे पेशेंट में जैसे हमें क्या करना है, गृहिणी दृष्टि पे भी काम करना होगा, प्राणवेश श्रोतस पे भी थोड़ा काम करना होगा। जैसे आपने बोली दिया उससे कफ अप शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं राजेश्मा के सिम्टम्स में भी ये भी सब बताया गया। और मुझे लगता है कि वो बद पेशेंट जल्दी खुलते नहीं है, हो सकता है उसने पहले कभी ट्यूबरकुलर एंटी ट्यूबरकुलर लिया भी हो, TT लिया भी हो। मैम वही मेरे को यही रिपोर्ट से डाउट हुआ, क्योंकि जो उसकी चेस्ट एक्सरे है ना उसमें डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि नोड्यूल्स फाउंड इन अपर एंड लोअर लोब ऑफ राइट लंग। मेरे की उसने मैरिज से पहले या मैरिज के बाद कभी कभी पेशेंट से बताने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, इससे प्रॉपर नहीं देता है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा पता लग रहा है कि उसने एटीटी लिया है, और उसके कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि जितना भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं बॉडी के वहाँ पे इसका जो है ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये तो लकी है, लकी फैलो है कि इसको प्रेगनेंसी आई है, बच्चे हो गए। जनरली हम लोग जो बंधियत वगैरह की चिकित्सा करते हैं या हमारे पास जो केसेस आते हैं वो ट्यूबर ब्लॉक के आ जाते हैं, और इस तरह के केसेस हमारे लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग भी होते हैं क्योंकि अगर वो हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस की होती है तो। लेकिन अभी भी वो पेशेंट को आप दो काम करा लीजिए, एक तो उसका जैसे मैडम ने बताया कि CA125 के साथ साथ एक पैप स्मियर भी करवा लीजिए, ठीक है। और सर्विस को भी एक बार आप चेक कर लीजिए कि सर्विस हेल्दी लग रही है आपको कि नहीं लग रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे अगर वो आपकी बात मानती है या आपके पास आ सकती है तो थोड़ा सा दीपन पाठ उसका अच्छे से करके थोड़ा सा हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं थोड़ा लेखन वस्ती देते हैं, ठीक है। और उसके साथ में कुछ लेखन चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो पेशेंट अगर तैयार हो जाती है और जैसे उसकी उसका स्टेटस है उसके हिसाब से ऐसे पेशेंट को आप, एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्नेहन से शुरू करती हूँ, आप लोग जानते ही हो। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे दाढ़ी मस्तक व्रत है या फिर जैसे पंचकोल व्रत है या पंचकोल आसव है साथ में दाढ़ी मस्तक चूर्ण के साथ में या अरगवत चूर्ण के साथ में पंचतीर्थ व्रत है, मैं थोड़ा पेल्विक कंजेशन में पहले वर्क करना चाहूंगी कि पेल्विक कंजेशन के साथ साथ थोड़ा सा जो है अपान वायु का भी हम अच्छे से उसको नॉर्मलाइज करें। और साथ में क्योंकि ये ड्रग्स जो हम देंगे ये वायु का अनुरोमन करेगा करेगा तो गृहिणी पर भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ेगा, और लीवर को भी थोड़ा सा हमें देखते हुए इस तरह की कॉमन ड्रग देनी है कि हमें तीनों तीनों जगह काम करना है, यकृत पे, ये गृहिणी पे और अपार है, पेल्विक कंजेशन दूर हो और थोड़ा वायु का अनुरोमन हो। हमें हमें क्या करना चाहिए कि जैसे आरोग्य वर्धने की बात आती है, कुबेराक्षति की बात आती है, कब्याज रस की बात आती है, ये तीनों ड्रग वन बाई वन करके यहाँ बहुत इफेक्टिव हो जाएंगी। और साथ में जैसे क्योंकि हमें उस पर काम करना है जो एक बनाया है, ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये ट्यूबो ओवेरियन मास बना हुआ है, तो जो हमारा जैसे पाठा और जो हम पुटकी और इसकी यंद्रप की बात करते हैं जनरली, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। जिसपे जो एक तरह से कहते हैं कि इसका चून यहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो शिला सिंदूर है, ताम्र भस्म है, काशीष भस्म है, गिलोय सत्व है, विदंगादि लोह है, गोमूत्र अर्थ के साथ, है ना, या फिर थोड़ा सा जो है शिगरु और बरु शिगरु गुआत के साथ में, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। साथ में यहाँ पर काचनार गुगुल का भी काम रहेगा, लघु वसंत मालती का भी बहुत अच्छा काम रहेगा, संजीवनी भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और एक भल्लातक का आता है ये अमृत रसायन, अमृत भल्लातक रसायन करके आता है, इसका भी अगर रात में दूध के साथ आप एक चम्मच पेशेंट को या ढाई मतलब कमी मात्रा में स्टार्ट करिए क्योंकि उस तरह के पेशेंट है। तो मैं ऐसे में क्या करती हूँ कि हाफ टी स्पून या फिर और कम करके पहले स्टार्ट करती हूँ, अगर पेशेंट को लगता है इफेक्टिव है तो वो जल्दी जल्दी काम फिर उसको मैं मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं मतलब 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम 15 ग्राम तक ले जा सकती हूँ। और इसमें वृद्धिवादी का बटी का भी बहुत अच्छा रोल होगा। और साथ में जैसे मैंने कहा कि लेखन वस्ती में मैं क्या करती हूँ, शिगरू तेल बनवाती हूँ पेशेंट को,
एरन तेल के साथ चिगरू तेल मिलाती हूँ, थोड़ा सा गौमूत्र अर्क भी मिला सकते हैं, और एक आध धोनी मादी या पटोर कटोर रोहिणी का क्वाथ उसमें ऐड करा के, और लगातार आप इनको थोड़ा चेंज करके मात्रावस्थी देंगे तो इसका रिस्पॉन्स आपको पक्के से मिलेगा। मैंने ऐसे केसेस में कुछ काम किया है, लेकिन ये इतना कंफर्म करा लीजिए कि प्रैक्टिशनर करा लीजिए और दूसरा काम करा लीजिए कि आप इस केस में जो है आप CA-125 आप करा ही चुके हैं, वो अच्छा किए हैं आप, बाकी ESR वगैरह CBC वगैरह है ना, थोड़ा ESR भी रेज्ड है मैम। हाँ तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये ट्यूबरकुलर पेशेंट जो है आधा अधूरा खाई है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली है, और मैरिज से पहले शायद ले ली होगी, या हो सकता है आफ्टर मैरिज भी ली हो, तो भी लोग प्रोसेस चाहते हैं एक बार और सेटिंग करें तो कॉन्फिडेंस में लीजिए, तो फिर वो बात करेगी तो आपको अच्छा रहेगा। ओके, मतलब आपको ये ट्यूबरकुलर की वजह से ही ज्यादा लग रहा है कि मतलब हाँ, मतलब होता है बीच बीच में इसमें थोड़ा मकर ध्वज बट्टी भी काम करेगी, शिला जतवादी लोहो भी बहुत काम करेगी, तो बीच बीच में तो चेंज लाना होता है, तो भाई एक दो बट्टी हम लोग इधर थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं, मतलब रसायन की तरह हम औषधियाँ दे सकते हैं, तो आप उनको चंद्रमा बट्टी को भी एड ऑन कर सकते हैं बीच बीच में, सारी दवा एक साथ नहीं चलाना होता ना मैम। हाँ जी हाँ जी, वो तो कुछ कुछ बीच में से करके चूज करके ऐसा प्लान बना के फिर तभी देना चाहिए। हाँ तो मैम यही है ना कि अगर ऐसे केस में अब अगर पेशेंट्स को लगता है कि ATT लेना चाहिए पहले, तो उसके लिए फिर कैसे उनको थोड़ा गाइड करना चाहिए? हाँ नहीं, वो चाहते हैं एक बार तो आप डॉट सेंटर वगैरह में या जहाँ पर भी वो चाहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर वो देखिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही चलना पड़ता है, उनको हाँ अगर जी मन में ये होगा कि हमें ट्यूबरक्लोसिस है और अगर उसने सच में ATT नहीं लिया है, मेरी अगर नहीं लिया है, तो एक बार आप उनसे कह दीजिए कि आप एक बार टेस्ट कराइए, हम आपकी रिपोर्ट सब देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको ATT लेना है या आपको हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन से काम करना है ना, क्योंकि केवल ये मॉन्टूक्स टेस्ट वगैरह तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा है ना इस समय, ATT तो कोई क्राइटेरिया नहीं रहा है ना, तो उसका जो टेस्ट वगैरह है जो सरकारी हॉस्पिटल में आजकल हो रहे हैं या जो हमारे पास TV के डॉट सेंटर्स बने हुए हैं, एक बार जाके एडवाइस लेने में कोई बुरा नहीं। हाँ जी मैं हाँ जी, आराम से बोलती हूँ आप करवा के आओ, फिर मेरे पास आओ, फिर मुझसे पूछो, मैं बताऊँ क्या करना है। ठीक है मैम, ठीक है। तो अभी उनको ये मैम कैंसर की तरफ मतलब वो भाग दौड़ करे ना कि कोई और आगे टेस्ट या कुछ ऐसा? वैसे कुछ नहीं मैडम, हमें पैपेस्मियर करा लेना चाहिए, पैपेस्मियर से पता चल जाएगा सेल्फ में। तो हाँ जी, वो पहले भी लिखा था बट शायद वहाँ हाँ डॉक्टर। सिंपल, हाँ सिंपल टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, वो आप करा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर शशि तिवारी मैम आपने हैंड रेज किया है, शशि तिवारी मैम, तिवारी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। अंजना मैम से पूछना था, अंजना मैम नमस्ते, प्रणाम। मैम वो जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो किसकी जड़ बांधते थे, लक्ष्मणा की किसकी थी मूल कमर में बांधने के लिए था? उस दिन आप लोग ग्रुप में लिख तो रहे थे सब, तो वो जो चक्कर क्या है ना मैम, लक्ष्मणा भी जो है वो उस तरह की ड्रग है जो की आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते की इसको लक्ष्मणा माना जाता है ना। हाँ वो तो पता है की वैसे। हाँ तो मेन जो शास्त्रोक्त वर्णन लक्ष्मणा मूल का ही आया है उसमें, कि लक्ष्मणा को जो है उसको कमर में बांध सकते हैं, तो वो जो है प्रजा स्थापक जो ड्रग मानी गई है और प्रजा स्थापन का कार्य करती है, इसीलिए लक्ष्मणा को हम लोग उसमें भी यूज करते हैं ना, पुंस्व संस्कार वगैरह में गर्भधारण के समय भी यूज का बहुत अच्छे से यूज आया है, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो प्रजास्थापन मुझे लगा यही हुआ, मैंने कहा कि मैम से एक बार पूछते हैं, क्योंकि कॉलेज टाइम पढ़ा था तो थोड़ा सा डाउट था। वही वही है वही, उसके अलावा तो मैंने वो बताया ही है, लेकिन मेन जो है कमर में बांधने की, जो उस दिन हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, मैं देख रही थी एक्चुअली कॉलेज में रही है ना, तो एकदम टाइम नहीं मिल पाता है, अभी भी वंदना मैम को मैं लिख रही थी सुबह से, मेरे के पास एकदम टाइम नहीं मिला, वंदना मैम से बात हुई थोड़ी सी, तो मैंने कहा मैं लिखती हूँ प्रिस्क्रिप्शन, तो उनको पेन तो हो ही रहा है, तो मैं बीच बीच में वही चली जा रही थी उनके व्हाट्सएप पे बस, बाकी आप लोग के साथ ही हूँ मैं। क्योंकि मैम जो बुक में है, देवप्रत शर्मा जी की बुक में, तो उसमें दो बुक्स हैं, मतलब दो जो पहली हाँ। वाली बुक है द्रव्य गुण हाँ। की, उसमें उन्होंने ब्राह्मी और ये लक्ष्मणा दोनों लिखा हुआ है, और हाँ। जो दूसरी वाली मोटी वाली बुक में, उसमें तो ऐसा कोई गण ही नहीं है। प्रजा स्थापन गढ़ जो है ना मैम, आप देखिए चरक में देखिए ना, और जो अच्छा। तिवारी मैम की बुक आपने पढ़ी होगी, तिवारी मैम की बुक देखी हाँ, है मैम की तिवारी मैम की हाँ। बुक है, बट मुझे हाँ। कॉलेज टाइम में पढ़ा था, उस दिन खोजने बैठे हाँ। दोनों में कुछ नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा मैम से ही आप कंफर्म ट्रैक में क्या आप है। सबसे पीछे जाएंगी ना, सबसे पीछे उन्होंने योग औषधि योग दे रखे हैं उसमें दिया।
ओके मैम, मैं आपको फोटो भेजती हूँ देख के, ठीक है? जब मैं देखती हूँ तो भेजती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। डॉक्टर गीता पटेल मैम, गीता पटेल मैम आपने अंजना मैम से पूछना था, मेरा भी एक इंटेस्टाइनल टीबी का इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, सेकंड इनफर्टिलिटी का, तो उस दिन पूछा था मैम ने, बोला विरेचन के बाद बोलना, वो क्लासिकल विरेचन हुआ मैम, अब क्या योग चला हुआ, कैसा रहा विरेचन, कैसा रहा, बढ़िया रहा, पेशेंट को कैसा लग रहा, भूख बढ़ गई उसकी? हाँ भूख बढ़ी, पर वो विरेचन का वेग 10-8 ही आए, इतना ज्यादा नहीं। मैं थोड़ा सा, हाँ ऐसे केसेस में ठीक है, आपने किससे किया था विरेचन मैम, किस चीज से किया था, क्या दिया था ब्रेचर के लिए? जी उसको पाउडर ही लेना था, तो फिर तीव्र और ये सब मिला के दिया था, पाउडर ही लेना था उसको, फिर एरेंड का तो पर जबरदस्ती उसको पिलाया, ये वो तो लेना पड़ेगा, सिर्फ पाउडर तो फिर भी आएगी, रुक्षता करेगा। हाँ। तो अब अभी अभी उसका पीरियड वगैरह की क्या डेट है, एलएमपी क्या है? हाँ ये तो है, तो पर ये टाइम पर नहीं होती, 5-6 दिन लेट होती है, ऐसा बोलती है। हाँ तो अभी क्या डेट क्या है, कल लास्ट डेट कब आया था? कल, उसकी कल, थी। अच्छा, हाँ। अच्छा कल, कल मीन्स 30 सितंबर ना? सेकंड डेट थी, सेकंड थी, अब एक कल सेकंड है ना, तो कल उसकी डेट है, पर वो बोलती है 5-6 दिन लेट आएगी, आज आई थी मैंने लोगों को सम्मान दी, अच्छा, और 10 मूल घनवटी ये सब दिया आज तो। अच्छा अच्छा, तो उसका वेट और हाइट का कितना आइडिया है आपको ना? हाइट 5'5" है, वेट 88 है, वेट अब थोड़ा है। एटीटी वगैरह की कोई हिस्ट्री रही ली है क्या उसने कभी पहले? एटीटी मेडिसिन इंटेस्टाइनल थी, टीबी उसकी ट्रीटमेंट पूरी कर दी है उसने। अच्छा, 10 साल पहले थी बेटी के डिलीवरी के टाइम। ठीक है मैम, तो आपने दवा शुरू कर ही दी है, जैसे पीरियड वगैरह उसको आता है तो फिर देखिए, पीरियड के बाद उसको मात्रा बस्ती पे रखिए, नस्य पे भी रखिए, अगर आपको मिल जाता है तो शतपुष्प तेल का नस्य दीजिए। है मेरे पास शतपुष्प, हाँ शतपुष्प तेल का नस्य स्टार्ट कीजिए आफ्टर सजेशन ऑफ मेंस, और उसके बाद आप मात्रा बस्ती उसको दीजिए, मात्रा बस्ती में आप जो है धनवंतर तेल या एरंड तेल या सहचरादि तेल है ना, अकॉर्डिंगली उसकी प्रकृति के हिसाब से और उसकी हिसाब से देख लीजिए, और उसका वो भी आपको आइडिया होगा एचएसजी वगैरह क्या है बच्चे, मतलब एचएसजी मतलब कि यूट्रस का, हाँ, हाँ, वो नॉर्मल है अभी कुछ नहीं है, पर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है इसीलिए मेरे नहीं, पास नहीं, तो है। आपने एचएसजी कराया बच्चेदानी के एक्स, हाँ, वो, हाँ, वो सब गायनेक के पास से करा के ये सब अच्छा, कुछ हाँ, है कम्प्लीट, बस उसको टेस्ट ट्यूब नहीं करना है, उसने टेस्ट ट्यूब का बोला बस इसीलिए आई है। फॉलिकुलर स्टडी में क्या कह रहा है? नॉर्मल है मैम। कौन से दिन रप्चर हो रहा है? 14 डे पे रप्चर हो जाता है उसका। तो ठीक है, एक उत्तर वस्ती उसको दीजिएगा 7th-8th डे में, ठीक है मैम, फल घृत से दे दीजिएगा उसको, एक उत्तर वस्ती दे दीजिएगा, उससे पहले उसको नस्य करा दीजिएगा, और थोड़ा मात्रा वस्ती उसको 5 या 6 करा सकते हो आप, और साथ में से हम लोग पुष्प धनवरस है, स्वर्ण वसंत मालती है, थोड़ा सा शतपुटी अभ्रक है, गिलोय सत्व है ना, त्रिवंग भी है या सॉरी त्रिवंगेश्वर है, प्रवाल पंचमृत है ना, ये सब उसको एड ऑन कर दीजिएगा, साथ में थोड़ा सा काल मेघा सब दीजिएगा इसको, और थोड़ा सा सूस शेखर खाने से पहले दीजिएगा, चंद्रप्रभा बटी दे दीजिएगा खाने के बाद, ठीक है, और उसके साथ में थोड़ा सा पेशेंट को जो है वो जैसे रात में सोते समय मैं अक्सर क्या करती हूँ, एरंड तेल थोड़ा सा दूध के साथ, आधे कप दूध के साथ, ये तो गुनगुने पानी के साथ पेशेंट ले लेती है, तो थोड़ा वायु का अंदरोमन अच्छा हो जाता है, और उसके अलावा नाभि पूरण अगर आप कर पा रहे हैं तो थोड़ा ब्राह्मी तेल से कराइएगा, ब्राह्मी से मैंने एरन दिया है, ब्राह्मी को बदल दूंगी, ब्राह्मी से नाभि पूरण अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक है, फिर देखिए उसके बाद हस्बैंड साइड को भी एक बार रीड कर लीजिएगा, उसका भी विरेचन तो करवा दिया, वो भी डायबिटिक और बीपी वाला पेशेंट है, बाकी नॉर्मल काउंट नॉर्मल थे, फिर भी उसको गर्भ संस्कार की तरफ जा रहे थे तो सब करवा दिया उसका भी। अच्छा, उसको भी मेडिसिन चला दीजिएगा, पुष्प धन वगैरह उसको चला दीजिएगा। हाँ, वो नहीं चलाया, पर मैंने शुक्र शोधन दिया उसको, हस्बैंड को तो। हाँ, नहीं थोड़ा सा उसका शुक्र को भी अच्छे से होने के लिए पुष्प धन वहाँ भी अच्छा ओके, ओके, दूंगी, ले दूंगी। हाँ, हो जाएगा, ओके थैंक यू। ठीक है डॉक्टर प्रभात पंडा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए सर, मेरा ही प्रॉब्लम के बारे में अभी बात करा था जो आपने। हाँ, तो कनक सा वो 10 मोलर स्थित तो सर ले आया हूँ, पर डाबर का अवेलेबल है सर, वो 100 ml लिया जा सकता है, तो ये थोड़ा
हाँ लिया जा सकता है, मैंने डाबर का यूज नहीं किया इसलिए मुझे उतना मालूम नहीं है। किसी ने किया है डाबर का? तो बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। सर क्या चीज है? मैडम ये कोलेलिथियसिस का मेरा है, 9.6 mm का एक लार्जेस्ट साइज का जो है, दो कलकुली का आइडेंटिफाई किया है यूएससी में। अभी कल से थोड़ा माइल्ड डॉल एकिंग पेन है या राइट हाइपोकंड्रियम में, तो मैं एक सर्जन के साथ बात किया तो वो कि ये इसीलिए ही हो रहा है बोल के, उनका ओपिनियन था, तो मैं अभी लेना चाहता हूँ ये मेडिसिन। असल में कनकासा और दशमलारिश लेते हैं ना तो आधे घंटे में पेन कम हो जाता है ऐसे इमरजेंसी में, तो आप ले लीजिए। लेकिन मैंने डाबर के प्रोडक्ट यूज नहीं किए। आरती मैम डाबर के प्रोडक्ट कैसे हैं? सर ठीक है, अच्छा रिजल्ट है। दशमूला रिष्ट ठीक है सर, मैंने यूज किया है, पर इतनी 100 ml की मात्रा में नहीं पर डे, मतलब 40-50 ml तक की पर डे। पर डोज कितना लूं मैडम? मैम सर मैंने 20 से 25 ml पर डोज। जी। और वो तो एप्पल फ्लेवर और मिक्स फ्रूट फ्लेवर ऐसे कुछ कुछ बनाते हैं दशमूला रिष्ट का? यहाँ जो अवेलेबल है सर वो प्लेन वाला ही। प्लेन है, अच्छा। सर यहाँ भी प्लेन ही मिलता है। अच्छा, महाराष्ट्र में आए थे लेकिन उनका चला नहीं। सर इसके साथ और क्या क्या लूं अभी? क्या ले सकते? वही कनकासव ले लीजिए, कनकासव और दशमूला रिष्ट ले लीजिए, और बाकी तो वो सब है ना हमारा त्रिविक्रम रस वगैरह है मेरे पास है। आप एक मिनट बात करें, मुझे एक मिनट कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ। सर अग्नि तुंडी बटी क्या आप ही पेशेंट है या कोई और? हाँ मैं ही पेशेंट। अग्नि तुंडी बटी जो सर है उससे पेन काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है जी। अग्नि तुंडी बटी और उसके साथ ही विष्तिंदुकादि बटी, जो अग्नि तुंडी बटी है उसमें भी बेसिकली कुचला है और विष्तिंदुक में भी कुचला है, वो इमली के रस में बनती है, तो उससे भी पेन मैनेजमेंट हो जाता है जी। अग्नितुंडी, त्रिविक्रम रस, कनकासव, दशमलारिष्ट, और क्या ऐड कर सकते हैं? जी सर जी। आरती मैम आपने जो पहले नींबू का अचार बताया था उसमें आपने जो आपने नमक और मिश्री दोनों बता दिए, तो ये विरुद्ध आहार नहीं हो जाएगा क्या? ये नहीं सर, विरुद्ध कैसे हो गया? वो मतलब नमक और चीनी दोनों जनरली हम लोग यूज सर, नहीं करते सर, दूध और नमक नहीं यूज करना है, बट नमक और चीनी ऐसा तो कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें जैसे बनाने में ही, जैसे कोई चटनी बनती है उसमें भी ऐसा, अगर आपने कुकिंग किया होगा तो चटनी जितनी भी बनती है उसमें नमक और चीनी है, तभी वो खट्टा मीठा रहता है। तो नहीं होता, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं रेफरेंस कहीं भी नहीं लिखा। दूध और खट्टा, दूध और नमक, वो विरुद्ध जरूर है। ओके ओके थैंक यू सर। सुवर्ण सूत्र शेखर भी ले सकता हूँ? हाँ स्वर्ण सूत्र शेखर तो बेस्ट है सर इसमें, और हजरली उद्भस्म है, बहुत सारे भद्राश्म चूर्ण, हजरली उद्भस्म है, अकीक भस्म है, कंचन मैम हमेशा बताती है ना उन्होंने ठीक किया है, अकीक भस्म है, ताम्र भस्म है, ये सब अच्छा काम करता है। ताम्र भस्म 30 mg तक थोड़ा कम लीजिए, 30 mg उतना, एक डोज में कितना लेंगे? एक डोज में हाँ 30 mg ले लीजिए। हजरुल यहूद, हजरुल यहूद भस्म, भद्राश्म चूर्ण, ताम्र भस्म, अकीक भस्म, इतना तो मेरे पास है सर अभी तो आप ले लीजिए सर। और शशि मैम आपके लिए कुछ लिखी है, शशि मैम बताइए मैम। हाँ जी सर, वो सर बोल रहे थे ना पेन किलर के लिए, तो आपने कई बार बताया है ना कि कनकासव जो है और साथ में वासारिष्ट और महामंजिष्टारिष्ट, इसको आप सर 30-30 ml के करके, या मतलब डिपेंड ऑन द पेशेंट का बल के हिसाब से दे दीजिए, तो क्योंकि कनकासव डायलेट करता है सर, आपको पता ही अच्छे से पंडा सर, तो ये बहुत बढ़िया पेन किलर का काम करता है, हाफ आवर के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। तो एज ए पेन किलर और दशमलारिष्ट जो है जैसे चेस्ट पेन वगैरह है तो उसमें भी अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें पुष्कर मूल वगैरह है, तो दशमलारिष्ट में दशमूल के अलावा ये भी है, लोद्र भी है, इसमें ग्राही द्रव्य भी काफी है दशमलारिष्ट में, तो दशमलारिष्ट काफी बढ़िया काम करता है। आप उसको एज ए रसायन भी चला सकते हैं, एज ए दीपन पाचन चला सकते हैं, वातज पित्तज विकृति जो है उसमें भी चला सकते हैं, और पेशेंट के ब्रेन पर भी काम करता है। इसमें खदीर भी है, मतलब स्किन के लिए भी बहुत
बढ़िया काम करता है, तो स्किन के प्रोडक्ट में भी इसको आप चला सकते हो, बहुत सारे जगह चला सकते हैं। जो पीएमएस के पेशेंट्स हैं, मतलब पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम्स वगैरह की जो पेशेंट्स आते हैं, एजेरसॉन औषधि उनको भी आप ये दे सकते हो, बढ़िया रिजल्ट आता है। गॉलस्टोन का तकलीफ है। हाँ तो सर इसमें भी वातज पित्तज के हिसाब से देखेंगे तो आप दीपन पाचन देने करने के लिए देना चाहते हैं या किस लिए करना चाहते हैं? थोड़ा तो माइल्ड पेन है अभी, इसीलिए तो सर दे सकते हैं। अदरवाइज गॉलस्टोन है तो पित्तज प्रकृति होती है, तो मतलब पित्तज विकार के हिसाब से आप उसमें पित्त शामक द्रव्य भी दे सकते हैं सारे, और चाहे तो हफ्ते भर का इसका वो दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया पेन किलर तो नहीं है, ठीक ठीक सा पेन किलर है, जैसे खास करके चेस्ट वगैरह के पेन में भी आराम करता है। दशमूल है, वात का शमन करेगा, त्रिदोष शामक भी है, बट बहुत बढ़िया पेन किलर है ये तो। मुझे नहीं पता, मैं खुद 3 दिन से ले रही हूँ अभी, तो मैं 50 ml दशमूल रिस्ट और 50 ml अभय रिस्ट ले रही हूँ। मैंने कहा देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है नवरात्रों में। कौन सा कंपनी का ले रहे हैं? सर मैंने अभी डाबर का लिया था, क्योंकि मैंने कहीं पर फोरम पर सुना था कहीं पर कि डाबर के भी अच्छे हैं आसो अरिस्ट, अदरवाइज मैं डाबर के प्रोडक्ट तो यूज नहीं करती थी, तो मैं लाई हूँ। फ्लेवर तो आसो अरिस्ट के जो होते हैं वही वाला फ्लेवर है। अब इस्तेमाल के बाद लग्जेटिव बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे एरंड ब्रिस्ट रित्की वगैरह से भी ज्यादा बढ़िया काम करता है, अगर दोनों मिलाकर 20-20 ml भी दिया तो भी बहुत बढ़िया काम करता है, तो ये चीज देख लीजिए। तो आपको प्रकृति डिसाइड करके पित्त चिकित्सा में दाढ़ी मास्टर वगैरह भी, पत्तीकर आपके हैं, त्रिभुत लेहम वगैरह भी बढ़िया काम करते हैं, और ये जो कनकासोवासर रिस्ट सर महामंजिष्ठा रिस्ट है, ये स्टोन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने एक पेशेंट को जीबी वाले को चलाया हुआ है इसको। अच्छा अच्छा जी। हाँ मेरी पेशेंट चल रही है, बट वो 80 के ऊपर है ना, तो डायबिटिक पेशेंट है, साथ में प्रॉब्लम है, तो अभी उनका रिजल्ट उतना नहीं आया, मतलब कि यूएसजी कराया था तो अभी यूएसजी में चीजें चेंज नहीं हुए, बट सिम्टोमेटिक ओनली उनको रिलीफ है सर। जी थैंक यू। थैंक यू सर। आप बताइएगा कल कनकासा और दशमोलॉजिस्ट का रिजल्ट क्या आया? जी जी सर, मैं आज ले लीजिए, कल बताएगा। जी सर। सर को प्रॉब्लम है क्या सर? हाँ सर मेरा, मैं मैडम मेरा। ओके चलिए, तो फिर मैं बात करूंगी, आपको कॉल करूंगी। जी ठीक है। और अर्शिया मैम आप कैसी हैं? सबसे प्यारी डॉक्टर हैं अर्शिया मैम, इतना इंटेलिजेंट है, कल उस दिन क्या केस टेकिंग किया, मस्त। कैसी हैं आप मैम? सर ठीक हूँ, आप कैसे? आप पुणे कब आने वाली हैं? सर अभी पुणे तो नहीं, मुंबई जाने वाली हूँ 9-10 तारीख तक। मुंबई में आपका घर है ना? मेरी सिस्टर का है सर। अच्छा अच्छा। हाँ तो आगे आपका क्या प्लान है, किसी के अंडर सीखना है? हाँ मैं वही सोच रही, अगर मुझे मुंबई में, मुझे मेन अग्निकर्म और विद्यकर्म और ये उत्तर बस्ती, तो आप पोद्दार में तो वो सर्टिफिकेट कोर्स चलता ही है ना पोद्दार मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से सर हमारे टाइम पे तो नहीं चलता था, मैंने पोद्दार से किया है कॉलेज। वंदना मैम ने कोर्स किया है कुछ चार कर्म अग्निकर्म का? अच्छा अच्छा, मतलब मैंने पोद्दार से ही किया है यूजी, बट मेरे टाइम पे तो नहीं चलता था वैसे, अभी पता नहीं है। अभी चल रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं। अच्छा वंदना मैम ने किया है वो बता रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वंदना मैम से पूछती हूँ, अभी नहीं है ना वंदना मैम? अभी नहीं है, ठीक है मैं उनसे पूछ लूंगी। आप पूछिए, वो बता देंगे आपको पूरा डिटेल। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर है सर, ये हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट वगैरह में सर शोधन करा सकते हैं क्या, वमन विरेचन? वमन तो नहीं कराना चाहिए ज्यादातर हार्ट के पेशेंट में, अगर कफज है तो करा सकते हैं, कफज संप्राप्ति तो, लेकिन ज्यादातर हम विरेचन और बस्ती कराते हैं। विरेचन करा सकते हैं हार्ट पेशेंट? हाँ, विरेचन करा सकते हैं। ओके, वो भी ऐसा विरेचन हो कि पेशेंट को तकलीफ ना हो, ये तो 30-30 लूज मोशन ऐसा इच्छा भी 5-5 दे दिया वैसा नहीं करना चाहिए। ओके सर। और सर ये जैसे शंखवटी होती है अपनी, तो उसमें सब लवण वगैरह होते हैं, तो ये बीपी पेशेंट को दे सकते हैं क्या, उससे बीपी तो नहीं बढ़ता है ना? हमारे बॉडी को भी तो सोडियम क्लोराइड चाहिए ना, हार्ट को, ब्रेन को, सबको, सोडियम चैनल्स होते हैं, तो उतना डोज ठीक है ना हो, और ये हमारा लवण ऐसा लवण नहीं होता है, दीपन पाचन हमारे लवण होते हैं। ओके ओके। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लवण भास्कर चूर्ण देना चाहिए कि नहीं, तो उसमें अनारदाना की भावना होती है, तो वो चलता है, उससे कभी बीपी नहीं बढ़ती। ओके ओके। और सर ये आशा वरिष्ठ से ये क्या बोलते हैं अपना, शुगर लेवल बढ़ जाता है क्या ऐसे? हाँ, हाँ, बढ़ता है, बढ़ता है।
ओके ओके आजकल जितने आसावरिश बन रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, तो उससे अच्छा। शुगर बढ़ते हो, कभी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए आसावरिश। ओके ओके सर। और अर्शिया मैम आप बचपन से इतनी इंटेलिजेंट है? सर हाँ, मेरा स्कूल में तो फर्स्ट रैंक आता था सर। कौन सा स्कूल से पढ़ी हैं आप? सीबीएसई बोर्ड से सर, केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, मैं भी पढ़ा। अच्छा अच्छा हाँ सर, तभी मैं सोच रहा था कि अर्शिया मैम इतना इंटेलिजेंट कैसे हैं। नहीं सही। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताना चाहें बता सकते हैं। सर मेरी वो प्रवाहिका वाली पेशेंट है, उसमें आसावरिश कौन सा चला, वो पीतज प्रकृति है। आसावरिश है तो आप अगर बहुत बार बार जाना पड़ रहा है तो कुटे जा रहे? अच्छा नहीं, जा अब जा नहीं रही है, वो नॉर्मल हो गया सब। तो फिर द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट ऐसे करिए, मृद्विकारिष्ट, पुनर्नवासव। नहीं तो अगर एचबी लेवल कम है तो लोहा रिष्ट अच्छा रहता है। हाँ, एचबी तो 13 है और नॉर्मल है उसका। फिर ठीक है, सब रिपोर्ट हो गए, सूजन कम हो गई, वो सब क्लियर हो गया। बहुत अच्छा आपने किया मैम, सच में आप ऐसे मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने इतना अच्छा से मैनेज किया। नहीं वो पेशेंट ही इतनी अच्छी है सर, वो जो कहते वो करती है। हाँ सच में आपने बहुत अच्छा किया। क्या क्या दिया था मैम आपने? दाढ़ी मास्टर चूर्ण, कुटेज परपटी, बृहद गंगाधर चूर्ण और आम पाचन रस पाचक, वो दो दो गोली चलाया था उसका, बहुत ही आम की कंप्लेन थी, तो वो 15 दिन दो दो गोली सुबह शाम चलाई। अच्छा। वो आज खत्म हुई सब, और कुमी कोठा रात को दे रही, और सुबह अभी पति कर दे रही। अच्छा, विरेचन भी होता है ना थोड़ा, तो अभी पति कर तो जनरली रात को दिया जाता है ना, कुटा दिन में देते। अच्छा, हम लोग सुबह देते है, आप रात में देते? हाँ हम लोग क्या, तो जनरली अभिपत्ति का रात में ही दिया जाता है। हम सुबह 5 बजे देते हैं, तो आज बोल दूंगी, अभी फोन में कह दूंगी, चलो रात में ले ले। अच्छा, और कुटज परपटी की टैबलेट थी कि मतलब परपटी टैबलेट है? टैबलेट है दूध का। अच्छा अच्छा, उसके अच्छे रिजल्ट्स है क्या? हाँ परपटी मिला। हाँ परपटी का उसको तो मिला, वो बोल रही है बंद हो गई, दो दो गोली ले रही है सुबह शाम। तो अच्छा, ये सब कुछ काढ़ा वगैरह भी दिया है साथ में कि अनुपान? नहीं दिया, नहीं दिया। नहीं वो कोई बात अभी चलाया है नहीं, रस पाचक। अच्छा। था ना तो आम पाचन रस पाचक, और ये अस्थि मज्जा पाचक मैंने पहले दिया था, तो वो भी खत्म कर रही थी। अच्छा, कितने दिन? 15 दिन में दाढ़ी माने ध्रुत सुबह है ध्रुत। हाँ अच्छा अच्छा, 15 दिन नहीं 20 दिन हो गए उसको। ओके ओके, अच्छा अच्छा रिजल्ट मिला, कांग्रेट्स। और गीता मैम आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? राजकोट में हूँ सर। राजकोट में वो डॉक्टर पूजा रच मैम को जानती हैं? नहीं जानती, वो इधर से ही जानी, एरिया अलग है ना सर। मैंने 20 साल एलोपैथी किया है, 2 साल से आयुर्वेद कर रही हूँ थोड़ा वहाँ पे। हाँ गायनेक में ही करती हूँ आयुर्वेद का, और कुछ नहीं करती थी। अच्छा, वहाँ पे राजकोट में एक मुरलीधर आयुर्वेद कॉलेज है। हाँ है। मैं वहाँ पे पहले टीचर था, मैं आता था। मैंने आपके एक वीडियो में सुना था, चोटीला मंदिर का आपने बोला था एक वीडियो में। हाँ चोटीला मंदिर। हाँ मैम वो राजकोट बहुत अच्छा एरिया है, मतलब वहाँ पे आपका बहुत स्कोप है आयुर्वेद करने का। ठीक है मैम, आपका गायनेक बहुत ही गायनेक में डेंजरस हालत है इधर, बहुत ही आईवीएफ हो रहा है इधर। तो आप करिए ना, हम आपके साथ में हैं, आपका स्कोप है वहाँ पे। हाँ तो अभी तो कर रही हूँ, इसीलिए तो मुझे आयुर्वेद में वापस आना पड़ा कि उस सबको आईवीएफ थोड़ा कराएंगे, वो कितना डेंजरस होते हैं इंजेक्टेबल, और उसका पैसा का खर्चा भी कितना होता है, और वो सक्सेस रेट कितना। इधर किसी को आईवीएफ में खर्चा करने से तकलीफ नहीं है, हमें 5,000 देने में तकलीफ है। हाँ, वो वहाँ 1.5 लाख का खर्चा कर देंगे। हाँ वो साइड इफेक्ट में वही नहीं देखेंगे, इधर पूछेंगे। आप देखिए वो आईवीएफ कराने के पहले इतना इंजेक्शन डालते हैं ना, इतना इंजेक्शन रोज रोज इतना इंजेक्शन डालते हैं, उससे पूरा स्किन कैसे खराब हो जाता है। हाँ वो साइड इफेक्ट उसकी नहीं देखेंगे कोई। हाँ ठीक है, हमें अपना काम करते रहना है जिसको। ओके, नहीं सर। हाँ ठीक है, गीता मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
हमारे अजय जडेजा भी उधर के ही हैं क्रिकेटर। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, अगर कोई बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, टाइम हो गया। हम सेशन बंद कर दें अर्शिया मैम? यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी, तो फिर सो जाते हैं। और कल सुबह नहीं होगा, कोई सेशन नहीं होगा, हम शाम को मिलेंगे कल। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक्स सर।